हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाजिर हम एक और वीडियो के साथ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट लेके। दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा मिल्क, लिक्विड सोप और थोड़े से फूड कलर्स को मिक्स करके कलर पैटर्न बनाएंगे बहुत सारे और देखेंगे किस किस तरीके के कलर पैटर्न्स हमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा दूध इस प्लेट में। हम देते हैं दूध ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। हम डालेंगे येलो कलर, दोस्तों जो मेन चीज है एक्सपेरिमेंट की वो अब है। मेन पार्ट एक्सपेरिमेंट का अब स्टार्ट होगा। हम ये लिक्विड सोप ईयरबड को लिक्विड सोप में लेकर इसमें टच करें। गाइस आप देख रहे हैं किस तरीके का हमें कलर से पैटर्न देखने को मिला। बहुत ही कमाल का ये एक तरीके का आर्ट है, पेंट वर्क भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नजारा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हमने एक के ऊपर एक तीनों फूड कलर्स को एक साथ एक ही जगह पर डाला और लास्ट में ईयरबड के थ्रू लिक्विड सोप लेके जैसे ही हमने उस पॉइंट पर टच किया तो एक बहुत कमाल का कलर पैटर्न हमें देखने को इसमें मिला और बहुत ही प्यारा और एक आर्ट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। जैसे आप कोई भी लोग कलर से वाटर कलर यूज करके एक आर्ट बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके का आर्ट हमें इसमें देखने को मिला है। दोस्तों अब हम उन्हीं सभी चीजों का दोबारा से इस्तेमाल करके कुछ नए और क्रेजी से पैटर्न बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ कमाल का नया सा बढ़िया कुछ हमें देखने को इसमें मिल जाए। तो फिर से हम थोड़ा सा दूध डालते हैं इसमें, पूरा का पूरा ग्लास इसमें डाल दिया। सो गाइस पहले हमने सिर्फ इस प्लेट के सेंटर में कलर डाला था और वहां से पैटर्न्स बनाए थे, लेकिन इस बार हम कलर को अलग अलग जगह डालेंगे तब देखेंगे किस तरीके का पैटर्न निकलता है। तो गाइस ये हमने कलर अलग अलग जगह डाल लिए हैं। अब इस बार हम पिछली बार हमने ईयरबड को यूज करके तब इसमें टच किया था, इस बार हम पूरा का पूरा एक कॉटन सोप का इसमें रखने जा रहे हैं।
दोस्तों हमें ये कलर्स और दूध के साथ शॉप का रिएक्शन, लिक्विड शॉप का रिएक्शन करके जो कलर इफेक्ट देखने को मिला, कलर पैटर्न्स निकल के इसमें आए, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको बनाने में। अगर आपको वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। गाइस हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं गाइस, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि हमारे पास ये कुछ फूड कलर मिक्स सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ये किस तरीके से हमने बनाए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले गाइस ये आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, ये पानी के अंदर हमने एक चम्मच शुगर पाउडर डाला, उसके बाद इसमें फूड कलर मिक्स कर गया। उसके बाद जो ये सेकंड गिलास है गाइस, इसमें दो चम्मच शुगर है। ये थर्ड गिलास जो है इसमें तीन चम्मच शुगर है, और ये फोर्थ गिलास जो है इसमें चार चम्मच शुगर है। और अब हमने इनको अलग अलग कलर में मिक्स कर लिया है। सो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास है कुछ सिरिंज जिनकी मदद से हम वन बाय वन एक एक लिक्विड इस ग्लास के अंदर डालेंगे और अलग अलग कलर की अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। उसके बाद जो हमें इस ग्लास के अंदर दिखेगा वो एक रेनबो की तरह दिखेगा। देखा कि किस तरीके से चारों लिक्विड अलग अलग लेयर में डिवाइड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चारों ही लिक्विड में अलग अलग क्वांटिटी में शुगर ऐड किया था, जिसकी वजह से सभी चारों लिक्विड्स की डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से ही ये लेयर्स में डिवाइड हो गया सारा पूरा। नीचे हमारा कलरलेस रेड येलो और ग्रीन देखने में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल का लग रहा है गाइस, एकदम मजा आ रहा है देखकर। अभी मैं इसमें गाइस क्या करने वाला हूँ, एक सिरिंज से ऊपर से फुल प्रेशर से इसमें कलर डालूंगा और देखते हैं कि किस तरीके से मिक्स होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाने में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। दोस्तों हाजिर हम एक और वीडियो के साथ। सो गाइस आज हम इस वीडियो में जो आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो भी हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उन्हीं से ही हम आज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो गाइस जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसको हम उस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाएंगे कि पानी के और ऑयल के अंदर कलर इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में कलर इफेक्ट दिखाने के लिए हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये जो बॉटल्स आप छोटी छोटी मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें हमने पानी में फूड कलर मिलाया है, और ये वाली जो तीन बॉटल्स हैं इसमें हमने विनेगर के अंदर फूड कलर मिलाया है, थोड़ा सा अलग क्रेजी सा करने के लिए, इसलिए हमने ये अलग अलग लिक्विड्स में मिक्स किया है। तो अब शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम दोनों ग्लास में पानी ले लेते हैं। पानी से दोनों कंटेनर भर लिए हैं। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल ऑयल ऊपर से डालेंगे। देख रहे हो गाइस
ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये पानी के ऊपर अपने आप आ गया। सेम इसी तरह इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। सो गाइस, मैं वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो तैरकर पानी सारा ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले हम इसमें फूड कलर डालेंगे जो हमने पानी के साथ मिक्स किया हुआ है। ये लगता है फूड कलर इसमें ना थोड़ा जम गया है। इसको मैं थोड़ा हिला लेता हूँ, ये रेड वाला कलर है। सेम इसी तरीके से अब ये जो विनेगर के अंदर हमने कलर मिक्स किया है फूड कलर, ये इसके ऊपर डालेंगे। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा इसमें कि किस तरीके से जो फूड कलर है वो पानी में स्प्रेड हो रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आप लोगों ने देखा कि जब हमने फूड कलर जो वाटर के साथ मिक्स था और ये वाटर में मिलाया तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया उसका कलर इफेक्ट। लेकिन जब हमने विनेगर में मिक्स फूड कलर वाटर में डाला तो वो नीचे जमा होता चला गया, उतनी जल्दी उसे डिसॉल्व नहीं कर पाया वाटर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से हमने किस तरीके का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को ये कलर इफेक्ट देखने में। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाजिर हम एक और वीडियो के साथ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट लेके। दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा मिल्क, लिक्विड सोप और थोड़े से फूड कलर्स को मिक्स करके कलर पैटर्न बनाएंगे बहुत सारे और देखेंगे किस किस तरीके के कलर पैटर्न्स हमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा दूध इस प्लेट में।
हमने इसमें दूध ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। अब हम डालेंगे येलो कलर। दोस्तों जो मेन चीज है एक्सपेरिमेंट की वो अब है, मेन पार्ट एक्सपेरिमेंट का अब स्टार्ट होगा। हम ये लिक्विड सोप ईयरबड को लिक्विड सोप में लेकर इसमें टच करें। गाइस आप देख रहे हैं किस तरीके का हमें कलर से पैटर्न देखने को मिला। बहुत ही कमाल का ये एक तरीके का आर्ट है, पेंट वर्क भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नजारा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक तीनों फूड कलर्स को एक साथ एक ही जगह पर डाला और लास्ट में ईयरबड के थ्रू लिक्विड सोप लेके जैसे ही हमने उस पॉइंट पर टच किया तो एक बहुत कमाल का कलर पैटर्न हमें देखने को इसमें मिला और बहुत ही प्यारा और एक आर्ट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। जैसे आप कोई भी लोग कलर्स वाटर कलर यूज करके एक आर्ट बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके का आर्ट हमें इसमें देखने को मिला है। दोस्तों अब हम उन्हीं सभी चीजों का दोबारा से इस्तेमाल करके कुछ नए और क्रेजी से पैटर्न बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ कमाल का नया सा बढ़िया कुछ हमें देखने को इसमें मिल जाए। तो फिर से हम थोड़ा सा दूध डालते हैं इसमें, पूरा का पूरा ग्लास इसमें डाल लिया। सो गाइस पहले हमने सिर्फ इस प्लेट के सेंटर में कलर डाला था और वहां से पैटर्न्स बनाए थे, लेकिन इस बार हम कलर को अलग अलग जगह डालेंगे तब देखेंगे किस तरीके का पैटर्न निकलता है। तो गाइस ये हमने कलर अलग अलग जगह डाल लिए हैं। अब इस बार हम पिछली बार हमने ईयरबड से ईयरबड को यूज करके तब इसमें टच किया था, इस बार हम पूरा का पूरा एक कॉटन सोप का इसमें रखने जा रहे हैं।
हमें ये कलर्स और दूध के साथ शॉक का रिएक्शन, लिक्विड शॉक का रिएक्शन करके जो कलर इफेक्ट देखने को मिला, कलर पैटर्न्स निकल के इसमें आए, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको बनाने में। अगर आपको वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। गाइस हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं गाइस, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे पास ये कुछ फूड कलर मिक्स सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ये किस तरीके से हमने बनाए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले गाइस ये आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, ये पानी के अंदर हमने एक चम्मच शुगर पाउडर डाला, उसके बाद इसमें फूड कलर मिक्स कर गया। उसके बाद जो ये सेकंड गिलास है गाइस, इसमें दो चम्मच शुगर है। ये थर्ड गिलास जो है इसमें तीन चम्मच शुगर है, और ये फोर्थ गिलास जो है इसमें चार चम्मच शुगर है। और अब हमने इनको अलग अलग कलर में मिक्स कर लिया है। सो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास है कुछ सिरिंज जिनकी मदद से हम वन बाय वन एक एक लिक्विड इस ग्लास के अंदर डालेंगे और अलग अलग कलर की अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। उसके बाद जो हमें इस ग्लास के अंदर दिखेगा वो एक रेनबो की तरह दिखेगा। देखा कि किस तरीके से चारों लिक्विड अलग अलग लेयर में डिवाइड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चारों ही लिक्विड में अलग अलग क्वांटिटी में शुगर ऐड किया था, जिसकी वजह से सभी चारों लिक्विड्स की डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से ही ये लेयर्स में डिवाइड हो गया सारा पूरा। नीचे है हमारा कलरलेस रेड, येलो और ग्रीन, देखने में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल का लग रहा है गाइस, एकदम मजा आ रहा है देखकर। अभी मैं इसमें गाइस क्या करने वाला हूँ, एक सिरिंज से ऊपर से फुल प्रेशर से इसमें कलर डालूंगा और देखते हैं कि किस तरीके से मिक्स होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाने में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। दोस्तों हाजिर हम एक और वीडियो के साथ। सो गाइस आज हम इस वीडियो में जो आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो भी हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उन्हीं से ही हम आज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो गाइस जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसको हम उस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाएंगे कि पानी के और ऑयल के अंदर कलर इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में कलर इफेक्ट दिखाने के लिए हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये जो बॉटल्स आप छोटी छोटी मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें हमने पानी में फूड कलर मिलाया है, और ये वाली जो तीन बॉटल्स हैं इसमें हमने विनेगर के अंदर फूड कलर मिलाया है, थोड़ा सा अलग क्रेजी सा करने के लिए, इसलिए हमने ये अलग अलग लिक्विड्स में मिक्स किया है। तो अब शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम दोनों ग्लास में पानी ले लेते हैं। पानी से दोनों कंटेनर भर लिए हैं। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल ऑयल ऊपर से डालेंगे, देख रहे हो गाइस
ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये पानी के ऊपर अपने आप आ गया। सेम इसी तरह इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। सो गाइस, मैं वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो तैरकर पानी का सारा ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले हम इसमें फूड कलर डालेंगे जो हमने पानी के साथ मिक्स किया हुआ है। ये लगता है फूड कलर इसमें ना थोड़ा जम गया है। इसको मैं थोड़ा हिला लेता हूँ, ये रेड वाला कलर है। सेम इसी तरीके से अब ये जो विनेगर के अंदर हमने कलर मिक्स किया है फूड कलर, ये इसके ऊपर डालेंगे। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा इसमें कि किस तरीके से जो फूड कलर है वो पानी में स्प्रेड हो रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आप लोगों ने देखा कि जब हमने फूड कलर जो वाटर के साथ मिक्स था और ये वाटर में मिलाया तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया उसका कलर इफेक्ट। लेकिन जब हमने विनेगर में मिक्स फूड कलर वाटर में डाला तो वो नीचे जमा होता चला गया, उतनी जल्दी उसे डिसॉल्व नहीं कर पाया वाटर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से हमने किस तरीके का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को ये कलर इफेक्ट देखने में। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाजिर हम एक और वीडियो के साथ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट लेके। दोस्तों, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा मिल्क, लिक्विड सोप और थोड़े से फूड कलर्स को मिक्स करके कलर पैटर्न बनाएंगे बहुत सारे और देखेंगे किस किस तरीके के कलर पैटर्न्स हमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा दूध इस प्लेट में। हम देते हैं
अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। अब हम डालेंगे येलो कलर। दोस्तों जो मेन चीज है एक्सपेरिमेंट की वो अब है, मेन पार्ट एक्सपेरिमेंट का अब स्टार्ट होगा। हम ये लिक्विड सोप ईयरबड को लिक्विड सोप में लेकर इसमें टच करें। गाइस आप देख रहे हैं किस तरीके का हमें कलर से पैटर्न देखने को मिला, बहुत ही कमाल का ये एक तरीके का आर्ट है, पेंट वर्क भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नजारा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक तीनों फूड कलर्स को एक साथ एक ही जगह पर डाला और लास्ट में ईयरबड के थ्रू लिक्विड सोप लेके जैसे ही हमने उस पॉइंट पर टच किया तो एक बहुत कमाल का कलर पैटर्न हमें देखने को इसमें मिला और बहुत ही प्यारा और एक आर्ट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। जैसे आप कोई भी लोग कलर से वाटर कलर यूज करके एक आर्ट बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके का आर्ट हमें इसमें देखने को मिला है। दोस्तों अब हम उन्हीं सभी चीजों का दोबारा से इस्तेमाल करके कुछ नए और क्रेजी से पैटर्न बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ कमाल का नया सा बढ़िया कुछ हमें देखने को इसमें मिल जाए। तो फिर से हम थोड़ा सा दूध डालते हैं इसमें, पूरा का पूरा ग्लास इसमें डाल दिया। सो गाइस पहले हमने सिर्फ इस प्लेट के सेंटर में कलर डाला था और वहां से पैटर्न्स बनाए थे, लेकिन इस बार हम कलर को अलग अलग जगह डालेंगे तब देखेंगे किस तरीके का पैटर्न निकलता है। तो गाइस ये हमने कलर अलग अलग जगह डाल ली हैं। अब इस बार हम पिछली बार हमने ईयरबड को यूज करके तब इसमें टच किया था, इस बार हम पूरा का पूरा एक कॉटन सोप का इसमें रखने जा रहे हैं।
तो दोस्तों हमें ये कलर्स और दूध के साथ शॉक का रिएक्शन, लिक्विड शॉक का रिएक्शन करके जो कलर इफेक्ट देखने को मिला, कलर पैटर्न्स निकल के इसमें आए, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको बनाने में। अगर आपको वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। दोस्तों हाजिर हम एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो भी हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उन्हीं से ही हम आज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो गाइस, जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसको हम उस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाएंगे कि पानी के और ऑयल के अंदर कलर इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में कलर इफेक्ट दिखाने के लिए हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये जो बॉटल्स आप छोटी छोटी मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें हमने पानी में फूड कलर मिलाया है, और ये वाली जो तीन बॉटल्स हैं इसमें हमने विनेगर के अंदर फूड कलर मिलाया है, थोड़ा सा अलग क्रेजी सा करने के लिए, इसलिए हमने ये अलग अलग लिक्विड्स में मिक्स किया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम दोनों ग्लास में पानी ले लेते हैं। पानी से दोनों कंटेनर भर लिए हैं। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल ऑयल ऊपर से डालेंगे। देख रहे हो गाइस, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ये पानी के ऊपर अपने आप आ गया। सेम इसी तरह इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। सो गाइस, मैं वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो तैरकर पानी को, सारा ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले हम इसमें फूड कलर डालेंगे जो हमने पानी के साथ मिक्स किया हुआ है। ग्रीन, सेम इसी तरीके से अब ये जो विनेगर के अंदर हमने कलर मिक्स किया है फूड कलर, ये इसके ऊपर डालेंगे। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा इसमें कि किस तरीके से जो फूड कलर है वो पानी में स्प्रेड हो रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है।
अभी हम आप लोगों ने देखा कि जब हमने फूड कलर जो वाटर के साथ मिक्स था और ये वाटर में मिलाया तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया उसका कलर इफेक्ट। लेकिन जब हमने विनेगर में मिक्स फूड कलर वाटर में डाला तो वो नीचे जमा होता चला गया, उतनी जल्दी उसे डिसॉल्व नहीं कर पाया वाटर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से हमने किस तरीके का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को ये कलर इफेक्ट देखने में। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। गाइस हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं गाइस बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे पास ये कुछ फूड कलर मिक्स सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ये किस तरीके से हमने बनाए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले गाइस ये आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये पानी के अंदर हमने एक चम्मच शुगर पाउडर डाला, उसके बाद इसमें फूड कलर मिक्स कर गया। उसके बाद जो ये सेकंड गिलास है गाइस इसमें दो चम्मच शुगर है, ये थर्ड गिलास जो है इसमें तीन चम्मच शुगर है, और ये फोर्थ गिलास जो है इसमें चार चम्मच शुगर है। और अब हमने इनको अलग अलग कलर में मिक्स कर लिया है। सो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास है कुछ सिरिंज जिनकी मदद से हम वन बाय वन एक एक लिक्विड इस ग्लास के अंदर डालेंगे और अलग अलग कलर की अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। उसके बाद जो हमें इस ग्लास के अंदर दिखेगा वो एक रेनबो की तरह दिखेगा। देखा कि किस तरीके से चारों लिक्विड अलग अलग लेयर में डिवाइड हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने चारों ही लिक्विड में अलग अलग क्वांटिटी में शुगर ऐड किया था, जिसकी वजह से सभी चारों लिक्विड्स की डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से ही ये लेयर्स में डिवाइड हो गया सारा पूरा। नीचे है हमारा कलरलेस रेड येलो और ग्रीन, देखने में बहुत ही अमेजिंग बहुत ही कमाल का लग रहा है गाइस, एकदम मजा आ रहा है देखकर। अभी मैं इसमें गाइस क्या करने वाला हूँ, एक सिरिंज से ऊपर से फुल प्रेशर से इसमें कलर डालूंगा और देखते हैं कि किस तरीके से मिक्स होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाने में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, हाजिर हम एक और वीडियो के साथ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट लेके। दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा मिल्क लिक्विड सोप और थोड़े से फूड कलर्स को मिक्स करके कलर पैटर्न बनाएंगे बहुत सारे और देखेंगे किस किस तरीके के कलर पैटर्न्स हमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा दूध इस प्लेट में। दूध ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। अब हम डालेंगे येलो कलर।
दोस्तों जो मेन चीज है एक्सपेरिमेंट की वो अब है, मेन पार्ट एक्सपेरिमेंट का अब स्टार्ट होगा। हम ये लिक्विड सोप ईयरबड को लिक्विड सोप में लेकर इसमें टच कर तरीके का हमें कलर से पैटर्न देखने को मिला। बहुत ही कमाल का ये एक तरीके का आर्ट है, पेंट वर्क भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नजारा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हमने एक के ऊपर एक तीनों फूड कलर्स को एक साथ एक ही जगह पर डाला और लास्ट में ईयरबड के थ्रू लिक्विड सोप लेके जैसे ही हमने उस पॉइंट पर टच किया तो एक बहुत कमाल का कलर पैटर्न हमें देखने को इसमें मिला और बहुत ही प्यारा और एक आर्ट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। जैसे आप कोई भी लोग कलर से वाटर कलर यूज करके एक आर्ट बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके का आर्ट हमें इसमें देखने को मिला है। दोस्तों अब हम उन्हीं सभी चीजों का दोबारा से इस्तेमाल करके कुछ नए और क्रेजी से पैटर्न बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ कमाल का नया सा बढ़िया कुछ हमें देखने को इसमें मिल जाए। तो फिर से हम थोड़ा सा दूध डालते हैं इसमें, पूरा का पूरा ग्लास इसमें डाल दिया। सो गाइस पहले हमने सिर्फ इस प्लेट के सेंटर में कलर डाला था और वहां से पैटर्न्स बनाए थे, लेकिन इस बार हम कलर को अलग अलग जगह डालेंगे तब देखेंगे किस तरीके का पैटर्न निकलता है। तो गाइस ये हमने कलर अलग अलग जगह डाल लिए हैं। अब पिछली बार हमने ईयरबड को यूज करके तब इसमें टच किया था, इस बार हम पूरा का पूरा एक कॉटन सोप का इसमें रखने जा रहे हैं। दोस्तों हमें ये कलर्स और दूध के साथ सोप का रिएक्शन, लिक्विड सोप का रिएक्शन करके जो कलर इफेक्ट देखने को मिला, कलर पैटर्न्स निकल के इसमें आए, हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया इसको बनाने में। अगर आपको वीडियो देखने में उतना ही मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। गाइस हाजिर है एक और वीडियो के साथ।
आज की इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं गाइस, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हमारे पास ये कुछ फूड कलर मिक्स सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ये किस तरीके से हमने बनाए हैं मैं आपको वो बता देता हूं। पहले गाइस, ये आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, ये पानी के अंदर हमने एक चम्मच शुगर पाउडर डाला, उसके बाद इसमें फूड कलर मिक्स कर गया। उसके बाद जो ये सेकंड गिलास है गाइस, इसमें दो चम्मच शुगर है। ये थर्ड गिलास जो है, इसमें तीन चम्मच शुगर है। और ये फोर्थ गिलास जो है, इसमें चार चम्मच शुगर है। और अब हमने इनको अलग अलग कलर में मिक्स कर लिया है। सो गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास है कुछ सिरिंज जिनकी मदद से हम वन बाय वन एक एक लिक्विड इस ग्लास के अंदर डालेंगे और अलग अलग कलर की अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। उसके बाद जो हमें इस ग्लास के अंदर दिखेगा वो एक रेनबो की तरह दिखेगा। देखा कि किस तरीके से चारों लिक्विड अलग अलग लेयर में डिवाइड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चारों ही लिक्विड में अलग अलग क्वांटिटी में शुगर ऐड किया था, जिसकी वजह से सभी चारों लिक्विड्स की डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से ही ये लेयर्स में डिवाइड हो गया सारा पूरा। नीचे है हमारा कलरलेस रेड, येलो और ग्रीन, देखने में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल कलर आ रहा है गाइस, एकदम मजा आ रहा है देखकर। अभी मैं इसमें गाइस क्या करने वाला हूँ, एक सिरिंज से ऊपर से फुल प्रेशर से इसमें कलर डालूंगा और देखते हैं कि किस तरीके से मिक्स होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाने में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर में। दोस्तों, हाजिर हम एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो भी हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उन्हीं से ही हम आज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो गाइस, जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसको हम उस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाएंगे कि पानी के और ऑयल के अंदर कलर इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में कलर इफेक्ट दिखाने के लिए हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये जो बॉटल्स आप छोटी छोटी मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें हमने पानी में फूड कलर मिलाया है। और ये वाली जो तीन बॉटल्स हैं, इसमें हमने विनेगर के अंदर फूड कलर मिलाया है, थोड़ा सा अलग क्रेजी सा करने के लिए, इसलिए हमने ये अलग अलग लिक्विड्स में मिक्स किया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम दोनों गिलास में पानी ले लेते हैं। पानी से दोनों कंटेनर भर लिए हैं। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल ऑयल ऊपर से डालेंगे। देख रहे हो गाइस, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये पानी के ऊपर अपने आप आ गया। सेम इसी तरह इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। सो गाइस, मैं वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो तैरकर पानी, सारा ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है।
ठीक है गाइस, अब सबसे पहले हम इसमें फूड कलर डालेंगे जो हमने पानी के साथ मिक्स किया हुआ है। ये लगता है फूड कलर इसमें ना थोड़ा जम गया है। इसको मैं थोड़ा हिला लेता हूँ, ये रेड वाला कलर है। सेम इसी तरीके से अब ये जो विनेगर के अंदर हमने कलर मिक्स किया है फूड कलर, ये इसके ऊपर डालेंगे। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा इसमें कि किस तरीके से जो फूड कलर है वो पानी में स्प्रेड हो रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आप लोगों ने देखा कि जब हमने फूड कलर जो वाटर के साथ मिक्स था और ये वाटर में मिलाया तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया उसका कलर इफेक्ट। लेकिन जब हमने विनेगर में मिक्स फूड कलर वाटर में डाला तो वो नीचे जमा होता चला गया, उतनी जल्दी उसे डिसॉल्व नहीं कर पाया वाटर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से हमने किस तरीके का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को ये कलर इफेक्ट देखने में। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।